आपको कोई नौकरी से निकालेगा नहीं, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। अभी लॉकडाउन के कार्यकाल में अभी सब जगह मनवड़ा चल रहा है। अभी लोगों का ऐसा मानना है कि काफ़ी सारे लोग दिवालियाँ घोषित करेंगे, लोगों की नौकरियाँ आ जाएंगी, करीब करीब 20% लोग अपनी नौकरी खो बैठेंगे। तो अभी इसमें करना क्या है, देखिए क्या है कि आपको इसमें लिंचपिन बनना पड़ेगा। लिंचपिन का मतलब क्या होता है, बैलगाड़ी का चक्का जो होता है वो चक्का बाहर ना निकले इसलिए वहाँ एक पिन होती रहती है, वो पिन जो है वो चक्के को बाहर निकलने देती है, उसको रोकती है। चक्के में बाकी भी चीज़ें महत्व की रहती है, जैसा चक्का है, नट है, बोल्ट है, जो भी है वो, मगर वो लिंचपिन जो है वो बहुत महत्व का काम वो करती है कि वो चक्के को बाहर नहीं आने देती, उसको रोक देती है। अभी समझो आपके वो बिजनेस के सिस्टम में एक लिंचपिन बन के रहे और रहते हो, बहुत महत्व के व्यक्ति रहते तो फिर आपको कोई निकालेगा नहीं। आप खुद को रिप्लेसेबल यदि बना देते हैं कि आपको कोई भी रिप्लेस कर देगा तो फिर आपके नौकरी जाने का धोखा है। आपके पूरे बिजनेस सिस्टम में क्या क्रिटिकल है, क्या महत्व का है, उसमें अपने कौशल्य डेवलप करो, स्किल उसमें डेवलप करो, ताकि क्रिटिकलिटी जो है उसके लिए आपका काम पड़ेगा, आपको कोई रिप्लेस कर सकता नहीं है, ऐसा होना चाहिए आपका। आपका आप मतलब इतनी वैल्यू देना चाहिए, आप इतने वैल्यूएबल होना चाहिए कि आपके बिना वो चलेगा नहीं सिस्टम। तो वो जो है वो लिंचपिन बनना जरूरी है। तो फिर आपकी नौकरी या बिजनेस वो खुद का है, मेरी नौकरी नहीं है, मेरा बिजनेस है, वो खुद का है, और सिस्टम का एक ऐसा बहुत ही क्रिटिकल पार्ट हूँ कि मेरे सिवा सिस्टम चलेगी नहीं, ऐसा विधि बनते हैं तो आपको नौकरी जाने का कोई डर रहेगा ही नहीं। तो अपने आप को वैल्यूएबल बनो, नया स्किल्स डेवलप करो, लिंचपिन बनो, वो क्रिटिकल सिस्टम का एक ऐसा पार्ट बनो कि आप बहुत महत्व के व्यक्ति है वो बिजनेस में, तो फिर आपको नौकरी जाने का डर रहेगा नहीं। तो आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो लिंचपिन बनो। मगर एक छोटी सी सलाह बिजनेसमैन को है कि आपके यहाँ यदि कोई लिंचपिन है तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि यदि आप लिंचपिन है मतलब वो आदमी किसी से चलते ही नहीं है, तो फिर वो आदमी आपको ब्लैकमेल करेगा, वो आपका गलत फायदा उठाएगा। तो आपने किसी को लिंचपिन बनने देने का नहीं है। बिजनेसमैन हरदम ये देखता है कि हर व्यक्ति को रिप्लेस करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति है क्या। सिस्टम ऐसी रहती है कि सिस्टम में एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, सिस्टम ऐसी रहती है कि पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस है वो लिखी रहती है और कोई भी व्यक्ति कोई व्यक्ति को रिप्लेस कर सकता है। तो बिजनेसमैन ने ये देखना है कि SOPs है, सिस्टम्स हैं, और सिस्टम में कोई भी आदमी बैठा तो वो सिस्टम चलाएगा। तो बिजनेसमैन को सलाह है कि लिंचपिन बनने मत दो, और जो सर्विस कर रहा है उसकी सलाह है, उसको सलाह यह है कि लिंचपिन बनो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।